Now I convert that into a small thing. इस मैट्रिक्स को देखिए आप. इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल फॉलोड, प्रिंसिपल नॉट फॉलोड, रूल्स नॉट फॉलोड, रूल्स फॉलोड. यहां पे लिखा है स्प्रिट ऑफ द लॉ. हम जब भी कोई काम करने को पहले आते हैं, हम स्प्रिट ऑफ द लॉ को लेके आते हैं. एक पुलिसमैन जब पुलिस की नौकरी में ज्वाइंट होता है, मैं ठीक कर दूंगा, उस स्प्रिट के साथ आता है. थोड़े दिन के बाद उसकी स्प्रिट धोने लगती है, वाइट वॉश होती है, और वो लेटर ऑफ लॉ, हाँ मेरा तो मैं सीएल ले लूँगा आज, वो वहाँ पे स्ट्राइक हो रहा था, मैं क्या करूँ, आज मेरी वीकली ऑफ है, मैं नहीं जाऊँगा. यू नो लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इन टू दिन, ही विल मूव इन टू द लेटर ऑफ लॉ. ठीक है, दिस इज वॉट जनरली हैपन्स. मैं इस चीज को आपको एक रामायण और महाभारत के तरीके से बताना चाहता हूँ. अगर रामायण की तरफ से आप देखोगे, देर वॉज अ स्प्रिट इन दैट एपिक, देर वॉज अ स्प्रिट. कोई बाहर का आदमी मेरी वाइफ को सस्पेक्ट भी करता है तो मैं उसकी अग्नि परीक्षा कराता हूं. ये राम की स्टेटमेंट है, राइट? बट महाभारत इज वाइस वर्सा. महाभारत कंप्लीटली उसका अलग नेचर है. ठीक है, नाउ वी गो इनटू दिस. वी ऑल प्ले सम रोल. मेरे को एक बात बताइए, इस रामायण और महाभारत में प्रिंसिपल को भी फॉलो करने वाला और रूल को भी फॉलो करने वाला कैरेक्टर कौन था? इस दोनों एपिक में एक जन था, कौन था वो? प्रिंसिपल भी फॉलो करता है, रूल भी फॉलो करता है. राम वॉज द पर्सन हु फॉलोड बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द रूल टू द मैक्सिमम. ठीक है, जो आदमी रूल को भी फॉलो नहीं करता था, प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता था, दोनों नहीं फॉलो करता था, वो कौन था? ऑब्वियसली रावण. He comes there. Principle को follow करता था, rules को थोड़ा बहुत इधर उधर करता था. कृष्ण, there he is. Okay? Principle गया भाड़ में, rule कहता है कि भाई तुम अगर जुए में हार गए तो सारा चीज मेरा, तुम्हारा बीबी भी मेरा. कौन? दुर्योधन. अगर आप इस चार चीज को देखोगे, बहुत सिंपल, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा राम का रोल निभाते हैं, थोड़ा सा रावण का रोल निभाते हैं. ना मत बोलिएगा, हर बिजनेसमैन निभाता है. ठीक है, थोड़ा सा कृष्ण का रोल भी निभाते हैं और थोड़ा सा दुर्योधन का रोल भी निभाते हैं. मैं ये इस चीज पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, इस स्लाइड पे रुके रहिएगा, जाइए मत. हम सब लोग सेपियंस, वी ऑल सेपियंस, हम दो प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं. एक प्लेटफॉर्म है कॉल्ड एथेनियंस, ATHENAANS, एथेनियंस. इज माई माइक डिस्टर्बिंग समबडी? कैन आई गो बैक? ओके, फाइन. एथेनियंस. एथेनियंस करते क्या थे? ये जो आज हम जो भाषा बात कर रहे हैं, अंग्रेजी, खासतौर पर अंग्रेजी, द वर्ड्स दैट मेक यू वीप एंड लाफ एंड यू नो डू एनीथिंग वॉज इन्वेंटेड बाई एथेनियंस. दे वर बेसिकली एकेडमिशियंस who were thought leaders, they were thinkers. और एक दूसरा ग्रुप था, जैसे हर इंसान आता है और जाता है, एथेनियंस भी आए और वो भी गए. उसके बाद एक ग्रुप आया, विजिगोथ, VISOGOTHS, विजिगोथ्स. विजिगोथ क्या थे? मरूडर्स थे. जो चीज अच्छा नहीं लगा उसको मार देते थे, जो किताब अच्छा नहीं लगा उसको जला देते थे, जिस प्लेस ऑफ वर्शिप उनको पसंद नहीं आता था उसको तोड़ देते थे, सब कुछ खत्म कर देते थे. और जिस रोमन एम्पायर को उन लोगों ने खत्म किया उसको रीबिल्ड करने में हमें 2000 साल लगा. आज जो रोमन एम्पायर हम देख रहे हैं, इट वॉज रीबिल्ड बाई ऑल ऑफ अस, आवर एंसेस्टर्स, विच वॉज डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड बाई विजिगोथ. आज आपके खून में, हमारे खून में, इन दोनों की खून दौड़ रही है. एकेडमिशियंस की खून दौड़ रही है, इसीलिए हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं. विजिगोथ की खून भी दौड़ रही है, इसीलिए कभी ना कभी अपन रावण का रोल भी निभाते हैं और दुर्योधन का रोल भी निभाते हैं. वी हैव बोथ. बट ये डिपेंड करता है किसकी परसेंटेज कितना ज्यादा है 100 में से. आप जितना एथिकली अपने बिजनेसेस को ड्राइव करने की कोशिश करोगे, उतना आपकी सस्टेनेबिलिटी अच्छी होगी. मेरे ख्याल से 1901-1902, TVS पीपल हैव टू कंफर्म इट टू मी, व्हेन दे स्टार्टेड द बस, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, 1911, right? 1911 they started the bus. We are at 2018.
हम आज भी उस बस के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे। याद रखिएगा, आपकी एथिक्स इज द लॉन्जिविटी ऑफ योर बिजनेस। अगर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है, आई थिंक हम लोगों के पास, सबके पास इतना पैसा है कि हम बैठ के खा सकते हैं। अब वो टाइम आ गया वेयर वी विल हैव टू एक्चुअली डू एन एथिकल बिजनेस, एंड फॉर द डूइंग दैट एथिकल बिजनेस व्हाट यू नीड इज संवेदना, एम्पैथी। इफ यू कैन गिव एम्पैथी टू योर बिजनेस, लुक एट दिस स्मॉल मूवी, जस्ट एन 1.5 मिनट मूवी, जस्ट लुक एट दिस एंड एंजॉय योर सेल्फ एंड सी व्हाट इट कम्स इन। Thank you very much. I leave this floor. I'm going to take you more. This is thank you to Nike Foundation who created this video. This is not mine. I borrowed it from them to show it to you people. So it belongs to them. It's not mine. So thanks to them for producing such a wonderful video. I have something to show you, which is going to be the end of the session. I bought 6 industries that is going to survive for the next whatever number of years. Hum sare human being jinda rahenge tab tak. उस इंडस्ट्री के क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन व्हेन आई एम गोइंग टू बी कॉल्ड अगेन टू मेक द प्रेजेंटेशन व्हिच आई विल सबमिट अप विद ऑल द पीपल। नाउ आई हैव टू गिव यू 5 मिनट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क मी, बिकॉज माय टेक ऑन दिस टुडे इज दैट यू हैव एवरीथिंग, यू हैव इंटेलिजेंस, यू हैव एवरीथिंग। मटीरियल इज नॉट गोइंग टू सेल टुमारो, नॉलेज इज गोइंग टू सेल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर इस सेशन को क्लोज करता हूँ। रवांडा करके एक जगह है, आप लोग सब लोग जानते हो, एंड रवांडा इज नोन फॉर, रवांडा इन्वेड्स ऑलवेज कॉन्गो। कॉन्गो इज नोन फॉर कोल्टन ओर माइंस, 80% ऑफ द कोल्टन ओर माइंस रिजर्व इज विद देम, एंड कोल्टन ओर लैपटॉप्स और मोबाइल बनाने के लिए काम आते हैं जो हमारे सबके पास है। वो रवांडा जाके वहां से चोरी करता है, दादागिरी करता है और उस आयरन ओर को लेकर देश में बेचता है, देश में बेचता है, और उसमें से कमाने वाली अमाउंट है 240 मिलियन डॉलर टोटली। ठीक है, चाइना ने देखा तो ठीक है, तुम चोरी करके कमाओ, हम दोस्ती करते हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली के साथ दोस्ती किया, हर मोबाइल फोन, हर लैपटॉप को अपने घर में तैयार किया और उनकी डेली अर्निंग है 240 मिलियन डॉलर। चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज नॉलेज पार्टनर जब बनोगे यू विल ग्रो फार मोर सुपीरियर देन चोरी करना या दादागिरी करना। हम पिछले 12,000 साल से फूड चेन में पीछे रहने की वजह से हम अचानक आगे आ गए, इसीलिए हमने सारी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने एनिमल्स को डिस्ट्रॉय किया, ट्री को डिस्ट्रॉय किया, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया, सारी चीज को डिस्ट्रक्शन करते गए, और सडनली अब रियलाइज हो गया हमको कि अब इनको डिस्ट्रैक्ट करके फायदा नहीं है, हमें इनको बनाना पड़ेगा,
इसीलिए सब लोग जुड़े हुए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन ट्री, नो प्लास्टिक बैग, फलाना, यू नो बहुत सारे चीज आ गया है बिजनेस में. वी आर नाउ रिवर्सिंग अवर थिंग. इन दिस रिवर्सल वी आर ऑल गोइंग टू डू वेरी वेल, बट विथ वन कंडीशन, हैव एम्पथी इन यूर हार्ट. जितनी संवेदना अपने दिल पे रखोगे, उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे, वो बिजनेस 100% ग्रोथ होगा. वन लिविंग एग्जाम्पल अबाउट हुम वी टॉक अबाउट इज ऑब्वियसली अ कंपनी लाइक टीवीएस, जिसकी आज की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 1911 की स्टोरी को. एंड दैट थिंग विल ऑलवेज लिव लॉन्ग विद अस. या माय नेम इज विनीत एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू फॉर दिस सो एनकरेजिंग एंड वंडरफुल स्पीच. वी हैव टॉक अबाउट वेरी हाई ऑन बिजनेस एथिक्स. आई डिडंट गेट यू. बिजनेस एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स, या करेक्ट. या सर, हाउ डू यू रिलेट बिजनेस एथिक्स and promotion? These days what I see is lot of people, you know, gain lot of business, and you know they gain lot of name by promoting, by promotion, different mean of promotion. We don't know about, you know, what is their product and how good is their product. But how will you how will you justify this, that without great product or without great service or empathy, what you said, they are, you know, doing lot of promotion and then gaining also in the I agree with you, sir. मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात पे कि fundamental जो basic functionality है उसके बिना अगर promotion करके किसी चीज़ को अपन आप बेचेंगे तो उसको क्या कहोगे. या आपका मुद्दा यही है, मैं इसको बड़ा simply कह सकता हूँ सर. एक दौर हर देश गुजरता है. ऐसा नहीं है कि जापान की जो क्वालिटी थी उसके बहुत अच्छे क्वालिटी थे, जापान की आज क्वालिटी बड़ी है. उस देश में भी क्वालिटियाँ कम थी एक ज़माने में. इफ़ यू रिमेंबर, मेरा जूता है जापानी राज कपूर का जो गाना था, दैट वॉज बेस्ड ऑन द जापानीज शू मार्केट. इट वॉज नॉट इंडियन शू मार्केट एट दैट टाइम. रिमेंबर दिस, बिलीव मी दिस. एवरी कंट्री गोज थ्रू अ फेस. वी आर प्रोबेबली गोइंग थ्रू अ फेस जहाँ पे हमारी सबसे बड़ी विलंबना मैं आपको बता देता हूँ. ये जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, इनको हम क्वालिटी एजुकेशन अगर दे दें, आपको गलत प्रमोशन करने का मौका नहीं मिलेगा. हम इनको उन चीज़ों को बता दें कि बॉस, बी कीप योर आईज ओपन, पे फॉर द वैल्यू दैट यू गेट बैक. ये चीज़ हमको उनको सिखाना पड़ेगा. उनको उस चीज़ से नहीं सिखा सकते कि यहाँ पे क्रोकोडाइल का स्टिकर लग गया तो वो क्रोकोडाइल का टी शर्ट हो गया. मैं इनको पूछता हूँ कभी कभी, क्रोकोडाइल लग गया, what is the difference between this t-shirt and my t-shirt? They will not be able to say. Unko crocodile dikhta hai to bada acha lagta hai. Ye jo promotional eye value, eye candy banate hain hum, ye unko isliye bana pa rahe hain us nayi generation ko, kyunki hum inhe quality education dene se inkar kar rahe hain. Inko inhe value system humko sikhana padega aur uski practice hum aur aapko karna padega. Hamari zimmedari hai. Agar humko dekhenge to wo practice karenge. Mere ko ek cheez bataiye na sir, main aapko bada frankly puchta hu aur bahut openly puchta hu. आपके लड़के की टीचर अगर रास्ते पे चल रही है और आप कहीं पर भी बैठे हो, टी स्टॉल में बैठे हो या कोई कॉफी शॉप में बैठे हो, आप उसको देखकर उठते हो या नहीं उठते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है. अगर आप उठते हो तो वो लड़का या वो लड़की उठेगा, वो अपनी टीचर को रेस्पेक्ट करेगा. अगर टीचर को रेस्पेक्ट कोई करेगा तो टीचर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देगा. टीचर आज नहीं दे पा रही है क्योंकि हम पेरेंट लोग अपने आप को बहुत शाना समझते हैं. ये जैकेट पहनने के बाद हमको लगता है कि हम यूरोप वाले बन गए. हमें तो आधी अंग्रेजी भी नहीं आती है साहब. फ्रैंकली स्पीकिंग, सम ऑफ अस मे नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मोस्ट ऑफ अस हु पुट अवर सेल्फ इनटू दिस कोट आर यूजलेस गाइस. मोस्ट ऑफ अस, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. हम हमारी वैल्यू सिस्टम्स को भूल रहे सर. टीचर को देखने से, पाव पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरी लड़की कभी मेरी पाव नहीं पढ़ती थी. उसको मैंने कैसे समझाया मालूम है? मतलब मेरी पाव मत पढ़ो. लेकिन मैं तुमको एक फिजिक्स बताता हूँ. आठवीं क्लास में फिजिक्स में ये लिखा हुआ है, जब करंट ऊपर से नीचे आता है तो वो जम करके बहुत हाई जाता है. जब पानी ऊपर से नीचे आता है उसको मोटर की जरूरत नहीं पड़ती उसको पुश करने के लिए. तो किसी के सामने झुक जाओगे तो तुम ही आगे जाओगे, वो आगे नहीं जाएगा. ये हमको बोलना पड़ेगा. और जब तक हम नहीं बोलेंगे वो नहीं समझेंगे. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर.
बहुत छोटी छोटी चीजें, मैं थोड़ा सा हर चीज पे थोड़ी सी स्क्रैच करता हूँ और थोड़ी सी अंदर जाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैं सिर्फ सारी एक्सपेरिमेंट मेरे घर पे करता हूँ, सारी एक्सपेरिमेंट. जैसे एक श्लोक होता है मालूम है आपके पास, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वल्यम श्री राम. ये राम का एक उच्चारण है, एक श्लोक है, हनुमान जी कहते हैं. तो मेरी लड़की बोलती है ये सब क्या है, शी इज मॉडर्न, शी इज अ मॉडल, माई डॉटर इज अ मॉडल. अब आप जानते हो मॉडल और ये गाँव वाला घर पे रहते हैं, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी फ्रिक्शंस होती है घर पे. तो मुझे उसको समझाना पड़ता है कि ये श्लोक आपके लिए नहीं बनाया, ये श्लोक हजार बार राम की बेनिफिट, राम का नाम लेने का बेनिफिट, सहस्त्र नाम तत्वल्यम, हजार बार नाम बोलने के बराबर 3 बार राम का नाम लेने से आपको 1000 का प्रॉफिट मिलेगा. क्योंकि आजकल के बच्चे लोगों को प्रॉफिट ही समझ में आता है और कुछ नहीं आता है. तो बोला कि आप 3 बार राम का नाम लीजिएगा आपको 1000 बार का. बोले कैसे, पूछती है मेरे को कैसे जे. तो मैंने कहता हूं कि आप अगर अपनी मात्रा पे जाओगे, रा स्टैंड्स फॉर 2, म स्टैंड्स फॉर 5, 2 × 5 इज 10, 10 × 10 इज 100, 100 × 10 इज 1000. राम 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 थी रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वल्यम श्री राम नाम वरानमे. 3 बार राम का नाम लेने से 1000 बार राम का नाम बोलने की आपको शक्ति मिलती है, आपको पुण्य मिलता है. आप इवन श्लोक में भी प्रॉफिटेबिलिटी लाइए, तभी ही हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा, वो लोग नहीं भूलेंगे, हमें लाना पड़ेगा. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, मैं आपको बड़ा सिंपल कह देता हूं, वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है. वॉर नहीं होगा हमारे यहां इंडिया में, बिना वॉर देके सोल्जर्स रिटायर होना आम बात है. 1971 के बाद इंडिया वॉर पे कभी नहीं गई. वॉर इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड एट ऑल, डोंट वरी अबाउट इट. शुगर पाउडर इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल देन गन पाउडर. डायबिटीज इज गोइंग टू किल मोर पीपल देन यस्टरडे. ओबेसिटी इज गोइंग टू किल मोर पीपल देन डे बिफोर यस्टरडे. एंड सबसे ज्यादा डेथ, इफ यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड बाय लिसनिंग टू दिस, 2012 में 14 लाख लोग मरे, उसमें से 6,20,000 लोग पूरे पृथ्वी में सुसाइड में मरे. सुसाइड इज गोइंग टू बिकम अ बिगेस्ट कॉज ऑफ द डेथ. एंड वी कम इन टू द मेडिकल फील्ड नाउ. इन मेडिकल फील्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेडिसिन के इन्वेंशन तो होते रहेगा. आज टीबी का इन्वेंशन निकला, कैंसर का इन्वेंशन निकला, सबके इन्वेंशन निकलते रहेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन कोई आदमी अभी तक इन्वेंशन नहीं किया एम्पथी का इन्वेंशन. एम्पथी सद्भाव, यू नो, संवेदना. वी आर नॉट हैविंग संवेदना. संवेदना किसी के पास नहीं है. हम सब मशीन बन रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके. ह्यूमन कॉन्टैक्ट बंद हो रहा है और एम्पथी बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगा. अगर TVS के बारे में हम बात करते हैं या उस हॉस्पिटल के बारे में जो हॉस्पिटल सुनता है पेशेंट की बात में बात करते हैं, दे आर ऑल एम्पथी ड्रिवन. कहीं ना कहीं एम्पथी नाम की एक चीज हमें चाहिए, जो एम्पथी हमें हमारी बिजनेस को आगे में ड्राइव करे. मैं कभी भी किसी भी बच्चों के साथ में मैं जब बात करता हूँ या मौका मिलता है मुझे बच्चों से बात करने का, मैं एक ही चीज़ उनको दिखाता हूँ. फुटबॉल का ग्राउंड, 2 टीम खड़ी है, यहाँ पे 11 प्लेयर, वहाँ पे 11 प्लेयर और 2 गोल पोस्ट. ये 2 गोल पोस्ट को हटा देंगे और दोनों लोगों को खिलवाने को लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है. दोनों गोल पोस्ट को रखेंगे, दोनों को खिलवाते रहेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है. दोनों चीज रहेगा और खेलते रहेंगे तो भी मतलब नहीं है. मतलब तभी आता है जब दोनों लोग खेलेंगे, दोनों गोल पोस्ट रहेगा और टाइम सेट होगा 90 मिनट का. गोल सेटिंग इज नॉट जस्ट सेटिंग, इट हैज टू गो विथ टाइम, कंप्लीटली विथ टाइम. टाइम मैनेजमेंट इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि वो टाइम के साथ जाना चाहिए. 3 चीज लाइफ में चाहिए. 1 इज फंडामेंटल, जिसका काम, अगर कपड़ा बना रहे हो तो कपड़ा तन कवर करने के लिए, अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हो तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को चेक करने के लिए आपकी फंडामेंटल बड़ी क्लियर होनी चाहिए. दूसरी जो आज के जमाने के यंगस्टर्स चाहते हैं वो है प्रोसेस बेनिफिट. 1 इज फंडामेंटली फंक्शनल बेनिफिट. Second is
प्रोसेस बेनिफिट एंड द थर्ड इज सोशल बेनिफिट. तीन चीज की जरूरत होती है कोई भी सामान बेचने के लिए. उसका है फंडामेंटल बिजनेस, जो भी आपका फंडामेंटल जो है फंक्शनल, जो फंक्शन है आपकी वो करना चाहिए. अगर फ्रिज खरीदते हो तो वो ठंडा करना चाहिए. अगर एयर कंडीशन खरीदते हो तो आपका टेम्परेचर को डाउन रखना चाहिए. अगर आप हॉस्पिटल खोलते हो तो आप दवाइयों मिस आप बीमारियों को क्यूर करना चाहिए. आप अगर ब्यूटी सैलून खोलते हो तो कितना भी आपका चेहरा खराब हो उसको कम से कम एक लेवल की ब्यूटी पे लाने की आपको कोशिश करनी चाहिए. फंक्शनल बेनिफिट है. प्रोसेस बेनिफिट, जितना जल्दी करते हो आप, कितने आसानी से कर सकते हो आप. एंड द थर्ड थिंग इज दैट सोशल बेनिफिट. ये सोशल बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल. आपका लड़का कहाँ पढ़ रहा है, आपका लड़का किस जगह में काम कर रहा है. अगर किसी ने बोल दिया यहाँ पे इस हॉल में खड़े खड़े मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, मानिए सब लोग मुझे छोड़ के उसके पास चले जाएंगे. बिकॉज दैट थिंग हैज बिकम, सोशल बेनिफिट हैज बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट.